हेलो एलकेजी किड्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? गुड। आइए अब थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। चलिए तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? पहले इंग्लिश पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? ट्रेस एंड राइट एक्स। ट्रेस एंड राइट लेटर एक्स। अभी हम किस लेटर के बारे में जानेंगे? एक्स लेटर के बारे में। तो एक्स कैसे लिखते हैं बच्चों? ये देखिए, ये क्या हो गया? कैपिटल एक्स हो गया। हम अल्फाबेट के लास्ट में पहुंच चुके हैं, रिवीजन के अल्फाबेट के रिवीजन के लास्ट में पहुंच चुके हैं। ये क्या हो गया? एक्स। तो आप लोग कैसे लिखोगे? आप लोग की बुक में ऐसे दिया होगा डॉट्स के थ्रू। अभी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि डॉट्स को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो। ठीक है, मैं बार बार आप लोगों को पहले क्लास में बता चुकी हूँ कि इसे ट्रेस करना है, यानी कि सभी को जोड़ना है। और ये देख रहे हैं, अभी आप लोग को आ भी क्या हुआ करते करते, ये देख रहे हैं ऐसे इसे ट्रेस करते हुए, इसे एक्स को इस पे पेंसिल चलाते हुए आप लोगों को इसे कंप्लीट कर देना है। ठीक है बच्चों? और स्मॉल एक्स हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। तो आप लोग के बुक में कैसे दिया हुआ होगा? ऐसे दिया हुआ होगा। तो फिर इस पे भी हमें क्या करना है? पेंसिल को ऐसे ही ट्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है रीड एंड राइट, ए टू जी। ए टू जी आप लोगों को आज ए वर्ड्स बनाने हैं। अब ए से जेड तक तो आप लोग जान चुके हो, और जो मैं एक्स बताई हूँ वो आप लोगों की रिवीजन चल रही है। तो अब हम कुछ नया जानेंगे, इतने दिनों से ए टू जेड, ए टू जेड। ठीक है, तो नया क्या जानेंगे बच्चों? ए फॉर एप्पल। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, हम लोग भी बहुत छोटे थे उस टाइम में, मेरी भी मम्मा मुझे क्या सिखाती थी? ऐसे खेलते कूदते, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो वो तो आप लोगों को बोलने आ ही रहा होगा, बट यहाँ पे बोलना और लिखना दोनों है, रीड एंड राइट दोनों करना है। आइए, तो ए ऐसे क्या होगा? ए फॉर एप्पल। इसे कैसे हम पढ़ेंगे? ए पी पी एल ई, एप्पल। लेकिन अगर दो पी है, यहाँ पे टू पी है, ए पी पी एल ई, तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों? डबल बोलेंगे। अगर कोई वर्ड में अगर कोई भी लेटर अगर तीन है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल बोलेंगे। बट यहाँ पे दो है तो हम क्या बोलेंगे? डबल। ए डबल पी एल ई, एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। बी ए डबल एल, बॉल। फिर यहाँ पे आ गया डबल एल, फिर दो एल है तो इसे हम डबल बोलेंगे। तो बी ए डबल एल, बॉल। बॉल मीन्स गेंद। सी ए टी, कैट। सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली। फिर डी फॉर क्या होगा बच्चों, बोलिए आप लोग? डी फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। ई फॉर एग। फिर यहाँ पे ई डबल जी, ई जी जी, तो फिर दो जी आ गया ना। तो उसे मैं भी आप लोगों को क्या बताई हूँ कि अगर दो रहेगा कोई भी लेटर तो उसे क्या बोलेंगे? डबल बोलेंगे। तो ई डबल जी एग, एग मीन्स अंडा। एफ फॉर फिश, एफ आई एस एच, फिश। जी फॉर गुड, जी ओ ए टी, गुड। गुड मीन्स बकरी। तो बच्चों आप लोग जान गए कि वर्ड मीनिंग हम कैसे, वर्ड कैसे बनाएंगे। तो अभी आप लोगों को जी तक डिवीजन करना है, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में उसके आगे एच से बताऊंगी। ठीक है, अभी इंग्लिश में इतना ही। चलिए अब हम हिंदी पढ़ते हैं। तो हिंदी में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम किस अक्षर के बारे में जानेंगे? य। ठीक है, य र ल व। लेकिन इससे पहले हमें यह जानना है। माँ तक आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, अब हम
य। आप लोगों को यह कैसे लिखना है, आप लोगों की बुक में ये डॉट्स के थ्रू यह दिया हुआ है। ठीक है, तो इस डॉट सभी डॉट्स को क्या करेंगे, ऐसे करके ट्रेस करेंगे। देख रहे हैं आप लोग, सभी डॉट्स को क्या किया मैंने, ट्रेस कर दिया। और आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो, बार बार बताने की तो जरूरत नहीं है कि हमें ट्रेस कैसे करना है। यानी कि जैसे जैसे वो अक्षर घुमाया हुआ वैसे वैसे आप लोगों को उस पे पेंसिल भी घुमाना है। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा य, य से य से य। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आप लोगों को तीन अक्षर वाले शब्द बताती हूँ कैसे लिखना है। तीन अक्षर वाले शब्द, क जोड़ ल जोड़ म, क्या हो जाएगा यहां पर से जोड़ की जो चिन्ह है उसको मैं हटा देती हूं और जो अक्षर है सिर्फ उसी को इस साइड में लिखना है। तो बस इमेजिन करना है, आप लोगों को यहाँ से हटाना नहीं है, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए हटा रही हूँ। तो क्या बचा, क ल म, क ल म कलम। फिर भ जोड़ व जोड़ न, भ व न भवन। म जोड़ ह जोड़ ल महल। न जोड़ र जोड़ म नरक। तो बच्चों ऐसे ही आप लोगों की बुक में बहुत सारे तीन अक्षर वाले वर्ड्स हैं, तो आप लोग ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, चलिए अब हम मैथ्स पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं आगे और लाऊंगी आप लोगों के लिए। मैथ्स में आज आप लोगों को रीड एंड राइट टेबल। ठीक है, अभी आप लोगों को टेबल पढ़ना है। आप लोग तो 10 तक ऑलरेडी जान ही रहे हो, 9 तक तो बताया ही गया है। रीड एंड राइट टेबल, 3 का टेबल है। ठीक है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, 3 का टेबल मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। ऐसे में आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन अभी एक बार और बता दे रही हूँ। और आप लोगों को वैसे ही अपने नोटबुक में 3 का टेबल लिखना है और पढ़ना है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, and 3 10 30। तो जान गए आप लोग, और ऐसे ही आप लोग अपने आपके बुक में दिया हुआ है ये टेबल, और इधर आप लोग वैसे ही लिखोगे। ठीक है, टेबल आप लोग जान गए कि कैसे लिखना है, और वैसे आप लोग पहले से भी जान चुके थे ये टेबल कैसे लिखना है। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चीज लेके आई हूँ, ऐड। ऐड करना बताती हूँ आप लोगों को आज। तो बच्चों ये देखिए, 1 1, तो ये 1 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, अगर ये 1 फिंगर है और ये एक और 1 फिंगर है, तो इसे क्या बोलेंगे, कितने फिंगर है ये बोलो बच्चों, ये कितने फिंगर है, 2 फिंगर है, 1 2। ठीक है, तो मान लो कि ये पेंसिल है, 1 पेंसिल 1 पेंसिल। अगर 2 पेंसिल है तो उसे वो क्या हो जाएगा, 2 1 1 2। फिर वहां पे 1 पेंसिल दिया हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है,
वन पेंसिल तो ऑलरेडी दिया हुआ है लेकिन अब टू है, टू को आप लोगों को तो अभी ऐड आता नहीं है, तो आप लोग कैसे बनाओगे, यहाँ पे ब्रैकेट ले लेना, वन पेंसिल जो दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख देंगे, फिर टू पेंसिल जो दिया हुआ है वन टू, तो यहाँ पे टू पेंसिल बना देंगे, एक पेंसिल ये रहा और एक पेंसिल ये रहा, ठीक है। तो टोटल कितने पेंसिल हो गए, वन टू थ्री, तो यहाँ पे थ्री लिख देंगे। वैसे ही अगर यहाँ पे वन दिया हुआ है और थ्री दिया हुआ है तो ये क्या होगा बच्चों, वन और थ्री मिलके क्या हो जाएगा, तो ये वाले पेंसिल यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ और थ्री पेंसिल मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, वन टू थ्री, तो टोटल कितने हो गए, वन टू थ्री फोर। तो ऐसे ही आप लोगों को ऐड, दो तीन ऐड दिया हुआ है, ऐसे ही आप लोगों को बनाना है, ठीक है बच्चों। तो आज आपकी क्लास यहीं पे खत्म होती है, आप लोग चाहो तो जा सकते हो और नहीं तो बैठ के यूकेजी क्लास को मैं भी पढ़ाऊंगी, वो आप लोग देख सकते हो। हेलो यूकेजी किड्स, कैसे हैं आप सब, यूकेजी के बच्चे अच्छे हैं। चलिए अब थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, तो अभी क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में, राइट स्मॉल अल्फाबेट ए टू जेड। आप लोगों को घर में अपने नोटबुक में ए से लेकर के जेड तक जो छोटे वाले एबीसीडी होते हैं ना, स्मॉल अल्फाबेट, वो आप लोगों को लिखना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है रीड एंड राइट कलर नेम। आज मैं आप लोगों को कलर्स नेम बताती हूँ, बहुत सारे कलर्स होते हैं ना, आप लोग जानते होंगे, रेड ऑरेंज येलो व्हाइट पिंक ब्लैक स्काई कलर बहुत सारे होते हैं। चलिए आर ई डी रेड, तो आप लोगों को इसे बोल बोल के लिखना है, इधर मैं बताई हुई हूँ और इधर आप लोगों को बताना है, तो इधर आप लोगों को लिखना है, इसे देख करके आप लोगों को लिखना है। फिर बी एल यू ई ब्लू, तो फिर इधर आप लोगों को बी एल यू ई ब्लू ब्लू लिखना है। फिर ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, तो फिर इधर इसे देख करके आप लोगों को इधर लिखना है ओ आर ए एन जी ई। ऐसे ही बहुत सारे कलर्स नेम हैं, ठीक है। तो मैं जो बनाई हूँ सर उसका फोटो खींच के आप लोगों को सेंड ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप लोग ऐसे ही देख के उसे अपने नोटबुक में लिखना, ठीक है। पी आई एन के पिंक, पी आई एन के पिंक। वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, तो फिर आप लोग भी इधर लिखोगे वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू। तो क्या होता है, रेड मीन्स लाल, ब्लू मीन्स नीला, ऑरेंज मीन्स क्या होगा, नारंगी का जो कलर होता है ना, ऑरेंज कलर, संतरा कलर, वो, ठीक है। और पिंक, पिंक ये देख रहे हो, ये मेरी नेल पेंट किस कलर की है, पिंक कलर की है ना, देख रहे हो आप लोग, तो पिंक पिंक कलर। येलो, येलो मीन्स पीला, ठीक है। तो बच्चों आज आप लोग कलर्स नेम जान गए, चलिए अब मैं आप लोगों को हिंदी बताती हूँ। हिंदी में क्या है बच्चों, पढ़े और लिखें। तो आज आप लोग र अक्षर के बारे में जानोगे, य के बारे में आप लोग जान चुके हो, अब आप लोग क्या जानोगे, र अक्षर के बारे में। तो र यहाँ पे मैं लिखी हूँ और आपके बुक में ऐसे ऐसे र दिया हुआ, देखिए डॉट्स वाले र, इसे आप लोगों को सभी को ट्रेस करते हुए क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, ओके बच्चों।
जैसे जैसे वो अक्षर घुमाए हुए हैं वैसे वैसे उस पे आप लोगों को पेंसिल से ड्रॉ करना है ताकि आप लोगों को आ जाए। र से रथ, र से रस, बहुत सारे अक्षर होते हैं सॉरी शब्द होते हैं र से। अब आप लोगों को मैं चार अक्षर वाले शब्द लिखना बताऊंगी, ठीक है? कैसे लिखेंगे चार अक्षर वाले शब्द? कौन सा है देखिए, ह जोर ल जोर च जोर ल। तो ये जो जोर है ना उसे हमें हटा देना है, बस अपने मन में हटाना है, यहाँ से आप लोगों को इरेज नहीं करना है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ से इसे इरेज कर दी हूँ। तो ये क्या हुआ बच्चा, ह ल च ल, क्या हो गया ये ह ल च ल, हलचल, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हलचल लिखेंगे। जोर हटा दिया है मैंने ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए फिर मैं यहाँ पे होगा इसलिए लिख दे रही हूँ, ह ल च ल हलचल। फिर ब जोर र जोर ग जोर द, ब र ग द बर्गर। तो वैसे ही जो ये जोड़ है उसे मैंने हटा दिया है, इस सभी जोड़ को हटा के और जो अक्षर है ब र ग द बर्गर तो उसे मैं लिख दी हूँ, ठीक है? स जोर र जोर प जोर ट, स र प ट सरपंच। तो बच्चों आपके बुक में ऐसे बहुत सारे, मतलब अगर एप्रोक्स मानो तो 50 ऐसे शब्द दिए हुए हैं चार अक्षर वाले, ठीक है? तो आप लोग उसे देख करके अपने नोटबुक में नोट करना, ओके? चलिए अब हम मैथ्स पढ़ते हैं। मैथ्स में आप लोगों को मैं अब 2 से लेकर के 10 तक के टेबल का रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है? तो रीड एंड राइट टेबल, अभी मैं आप लोगों को 2 का टेबल यहाँ पे बता दे रही हूँ, लेकिन आप लोगों को अपने मन से अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है? 2 1 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 एंड 2 10 20, ठीक है बच्चों? तो ऐसे ही आप लोगों को देख करके इधर 2 1 2 का 2 का टेबल इधर आप लोगों को लिखना है। चलिए अब क्या है, राइट द नंबर कम बिफोर, ठीक है? राइट द नंबर, राइट द नंबर्स कम बिफोर, यहाँ पे ऐसे आपके बुक में भी दिया हुआ है और मैं अपने वर्कशीट में भी बनाई हूँ, ऐसे यहाँ पे बॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे 15 दिया हुआ है। तो बिफोर मीन्स होता है पहले, तो राइट द नंबर्स कम बिफोर यानी कि जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 15, उससे पहले कौन सा नंबर आएगा? 15 से पहले क्या होता है 14, फिर 14 से पहले क्या होता है 13, 13 से पहले 12। तो अगर मैं इधर से पढ़ती हूँ 12 13 14 15, तो वैसे ही आपकी बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, आप लोगों को बनाना है। फिर इधर 11 दिया हुआ है, तो 11 से पहले क्या होता है बच्चों 10, फिर 9, फिर 8 8 9 10 11, ठीक है? तो आप लोग समझ गए कि कैसे बनाना है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को और बताऊंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।